बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर अब जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस बेहद हाई एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए शूटिंग कई देशों में की गई। इस फिल्म का धांसू ट्रेलर देख दर्शकों की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। फिल्म में शानदार एक्शन सीन्स फिल्माए गए। हाल ही में इस फिल्म को लेकर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने एक दिलचस्प बात बताई। डायरेक्टर ने बताया कि पुर्तगाल का तटीय शहर पोर्टो आने वाली बॉलीवुड फिल्म वॉर के लिए टाइगर और ऋतिक रोशन के बीच एक एक्शन सीन फिल्माने के चलते 2 दिन तक लगभग बंद रहा। वॉर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कहा, हमने पोर्टो में ऋतिक और टाइगर के बीच एक हाई स्पीड एक्शन की सीक्वेंस शूटिंग की। इस सीन में टाइगर और ऋतिक का पीछा करना था। इसके साथ हमें 2 दिनों के लिए पोर्टो में मेन ब्रिज को बंद करने की अनुमति लेनी पड़ी थी। निर्देशक ने कहा कि स्थानीय प्रशासन फिल्म के कास्ट और क्रू के प्रति सहयोगी रहे। उन्होंने कहा कि इस एंड्रोलाइन पाइपिंग सीन को फिल्म की अनुमति हमें मिल गई है। हालांकि ऐसा होते देख वहां के स्थानीय लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्हें इस तरह से पहले कभी अपने शहर को बंद होते नहीं देखा गया था। सभी बेहद एक्साइटेड थे और सब देखना चाहते थे कि पुल बंद होने की वजह क्या है, और सब फिल्म की शूटिंग भी देखना चाहते थे। वहीं सिद्धार्थ ने आगे कहा कि उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी, क्योंकि ऋतिक और टाइगर जिस तरह का एक्शन कर रहे थे उसे देखकर वे हैरान थे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलुगू में रिलीज होगी। इस फिल्म में वाणी कपूर लीड एक्ट्रेस है। वाणी इससे पहले रणवीर सिंह की फिल्म बेफिक्रे में दिखाई दी थी। दोस्तों, वॉर का ट्रेलर आपको कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड है वॉर के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।